मध्य प्रदेश के नालछा में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर नालछा नगर में यदुवंशी ठाकुर समाज के तत्वावधान में नालछा बस स्टैंड पर दिलीप के निवास स्थान से एक भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया। इस चल समारोह का विभिन्न मंचों के माध्यम से स्वागत जगह जगह किया गया। यदुवंशी ठाकुर समाज के सभी लोगों ने साफा बांध रखा था। समारोह में समाज की बेटियों ने भी साफे बांध रखे थे, जो एक आकर्षण का केंद्र रहा। चल समारोह में डोले पर भगवान की श्री कृष्ण की झांकियां एवं 1008 सर्वेश्वर दास जी महाराज रामपाल धाम की झांकी भी सजाई गई थी। इस विशाल चल समारोह का जगह जगह पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। चल समारोह में सम्मिलित धार्मिक जनों के लिए समाज के राजेश यादव ने अपने निवास पर फरियाली खिचड़ी का वितरण किया गया तथा नालछा के निवासी डॉक्टर महेश यादव द्वारा सभी भक्तों को चाय वितरण भी की गई। यदुवंशी ठाकुर समाज चोली बड़वानी बेटमा इंदौर मांडव एवं बागड़ी के समाजजन श्री कृष्ण जन्म उत्सव के चल समारोह में सम्मिलित हुए और धर्म का लाभ लिया। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। आयोजन में महेश्वर तहसील के ग्राम चोली से पधारा हूँ। परिवार सहित हम आज श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव में शामिल हुए हैं। यदुवंशी ठाकुर समाज नालछा के द्वारा आज श्री कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर जो चल समारोह निकाला है वो बहुत अद्भुत रहा है, भव्य रहा है। इसमें नालछा समाज ठाकुर समाज के सारे समस्त समाजजन एवं अन्य समाज के द्वारा जो सहयोग रहा है सभी लोगों का, उसमें सामाजिक सद्भावना की मिसाल पेश की गई है। उसके लिए मैं सब सारे लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आज हमारे नालछा नगर में यदुवंशी ठाकुर समाज के द्वारा जो चल समारोह निकाला गया भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के पर्व पर, ये प्रथम वर्ष हमारा प्रथम प्रयास था। हमारे नालछा यदुवंशी ठाकुर समाज के युवा वर्ग जो विगत 4-5 दिनों से लगे हुए थे कि हम जन्माष्टमी पर एक भव्य चल समारोह निकालेंगे, और उनका उत्साह उल्लास देखते नहीं बन रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।